हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोगी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में जो वेरियस पोस्ट 8 है, जी हाँ, उसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे कैसे आपको जो है क्राइटेरिया लगेंगी आपको फिलअप फॉर्म करने के लिए, और क्वालिफिकेशन कितनी रहनी चाहिए। वेरियस पोस्ट है तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेज होंगे। तो यहाँ पे आपको 10वीं है, 12वीं है और ग्रेजुएशन है, यानी 3 लेवल में आपको जो है फॉर्म भरना है। तो आप जिस भी लेवल के एलिजिबल हैं, आप उस एलिजिबल में फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल से बेहतर चैनल आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे। और दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट शैलेश। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो है हमेशा जो है सबसे लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जी हाँ 21 फरवरी से। लास्ट डेट जो दी गई है वो है 20 मार्च। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम फीस की है वो भी 23 मार्च तक है, और लास्ट डेट जो ऑफलाइन पेमेंट है वो है 25 मार्च। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 25 मार्च तक जो है आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फॉर्म एप्लीकेशन की। और उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल के लिए 100 रुपया है, और बाकी के लिए, जी हाँ, जनरल और ओबीसी दो चयन के लिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी सभी के लिए 0 है। जी हाँ, 0, यानी कि आप चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे फीमेल कैटेगरी में हो, आप सभी के लिए जो है 0 है, यानी कोई भी फॉर्म की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी। वैकेंसी की संख्या देख लीजिए 1300 है। जी हाँ दोस्तों, 1300 वैकेंसी बहुत ही ठीक ठाक है, क्योंकि सफिशेंट नंबर है इतना 1300 नंबर। और एज लिमिट भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 18 से 30 वर्ष के बीच। तो यहाँ पे अगर एज की भी बात करें तो एज भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। और बात करें रीजन वाइज तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंट्रल रीजन है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थन है, ईस्टर्न है, कर्नाटका है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, साउथ रीजन है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो है ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। और जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपको पता ही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अपने आप में एक प्रतिष्ठा है, जो आपको अगर इसमें जॉब पाना है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। चलिए आज बताते हैं आपको कैसे आपको जो है एप्लीकेशन जो है फॉर्म को भरना है। तो आपको जानना होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो इस समय आपके ओपन हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे URL में ssc.nic.in। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होम में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें दी हुई हैं, साफ साफ दिख रहा है, बेसिक डिटेल्स, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फोटो एंड सिग्नेचर। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि तभी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए बेसिक डिटेल्स में आपको क्या लगेगा, डू यू हैव आधार कार्ड, यहाँ पे येस और नो करना होगा, आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करना होगा आधार कार्ड को फिर से लिख के, और यहाँ पे अगर आपके पास दूसरा आईडी को समथिंग है तो फिर उसका आईडी का नंबर, फिर यहाँ पे नेम, उसके बाद वेरीफाई योर नेम, दोबारा नाम लिखना होगा, हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने नाम अगर बदला है कभी तो उसके बारे में, यहाँ पे फादर का नेम, वेरीफाई योर फादर नेम, उसके बाद मॉम का नेम यहाँ पे यानी मदर नेम, फिर वेरीफाई मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, फिर वेरीफाई आपको डेट ऑफ बर्थ करना होगा, मेट्रिकुलेशन का आपका जो है एग्जामिनेशन डिटेल्स देना होगा, किस बोर्ड से आपने जो है 10वीं पास किया था उसके बारे में, फिर वेरीफाई बोर्ड करना होगा, फिर रोल नंबर टाइप करना होगा, वेरीफाई फॉर रोल नंबर दोबारा से टाइप करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में आपने जो है 10वीं पास की है, फिर वापस से सेम चीज़ है, फिर जेंडर यहाँ पे आपको लिखना होगा, उसके बाद वेरीफाई जेंडर के बाद होगा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो मैंने बताया 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ये तीन चीज़ में से आपको कौन से ग्रेजुएशन के लेवल के हिसाब से आपको जो है फॉर्म को भरना है, यानी कि 10वीं के लेवल के हिसाब से, या 12th के लेवल के हिसाब से, या ग्रेजुएशन के लेवल के, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर मेल आईडी, फिर से वापस से स्टेट एंड प्रेफरेंस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद सेव, जी हाँ सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे, जो है आपकी एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड उसके बाद है फोटो एंड साइन। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपके सामने मैंने लाइव दिखाया है। जी हाँ, ये जो अपडेट है आप देख सकते हैं, ये आप हूबहू नहीं, जी हाँ, जो डिक्टो है, आप जाइए वेबसाइट पर, सेम टू सेम, जी हाँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने कुछ एडिट किया है, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, आपको सिर्फ इसी को प्रकार को जो है आपको फॉलो करना है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी है, तो नो डाउट इससे अच्छा जॉब आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ये तीन लेवल पे जो है आपको फॉर्म भरने को मौका मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम डेट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, वही मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, CBT एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 10 से 12 जून, जी हाँ, वो भी दिया है। एडमिट कार्ड जो आपको अवेलेबल होगा वो जून महीने में आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा।
तो आप जून में जो है एडमिट कार्ड भी ले लेंगे और 10 तारीख से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।